हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया और सेहतमंद होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एक ऐसा आइडिया लेकर आया हूं जिसे आप पहले ही दिन से YouTube से अर्निंग करना शुरू कर सकते बिना 1000 सब्सक्राइब के और 4000 घंटे के वॉच टाइम पूरा किए बगैर ही। दोस्तों, आप पहले दिन से ही यूट्यूब से इनकम करना शुरू कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे दोस्तों, ऐसा कैसे मुमकिन है। बिल्कुल दोस्तों, आज मैं जो आपको इस वीडियो के अंदर आइडिया बताने वाला हूं, यकीन मानिए वो आपको पहले दिन से ही इनकम कर दे सकता है। जी दोस्तों, बिल्कुल पहले ही दिन से, पहले ही वीडियो से आप इनकम करना शुरू कर सकते हैं। आज इस चैनल में मैं एक यूनिक आइडिया लेकर आपके लिए आया हूं जिस पर आप काम कर अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, वो भी तीन तरीके से। पहला होगा अफिलिएट मार्केटिंग और दूसरा होगा दोस्तों गूगल एडसेंस, जब आपकी चैनल पर 1000 सब्सक्राइब हो जाते हैं और उससे के बाद आप अगर 4 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लेते हैं, वो होगा आपकी दूसरी इनकम सोर्स। आप तीसरी इनकम सोर्स बताता हूं दोस्तों आपको, वो हो सकती है प्रमोशन वीडियो। बिल्कुल दोस्तों, इस टॉपिक पर आपको बहुत सारे प्रमोशन वीडियो भी मिल सकते हैं और आपको इस पर अमेजोन से आज पहले दिन से आप इनकम करना शुरू कर सकते हो अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। दोस्तों, तो मैं आपको जो ये आइडिया बताने वाला हूँ वो इंडिया के हर दिल के अंदर ये चीज जरूर बसती है। दोस्तों, बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये चीज हर इंसान के लिए मायने रखती है और इस टॉपिक पर बहुत कम लोग हैं दोस्तों जो काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस पर काम करने वालों की बहुत ही कमी है यूट्यूब पर, और साथ में रेगुलर इस टॉपिक पर कोई भी चैनल आपको काम करती हुई नहीं दिखेंगी। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इसमें बहुत सारी चैनल बनी जरूर है, लेकिन रेगुलर एक भी चैनल इस टॉपिक पर काम नहीं करती। हम किस तरह से इस टॉपिक पर रेगुलर काम कर सकते हैं और कहां से हम इनके आइडिया ले सकते हैं और किस तरह से चैनल के कंटेंट आपको कहां से मिलेंगे, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो मैं जिस टॉपिक को आज आपके सामने लेकर आया हूँ वो है दोस्तों अपकमिंग फेस्टिवल, यानी कि आने वाले त्योहारों के बारे में। अब आप बोलेंगे कि यार त्योहारों से हम कैसे इनकम कर सकते हैं, कैसे वीडियो बना सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। तो दोस्तों, अब मैंने यहां पर आप देखेंगे तो मैंने एक सर्च करके रखा है इंडिया फेस्टिवल 2020, यानी कि 2022 के आने वाले फेस्टिवलों के बारे में मैंने यहां पर सर्च किए है कि 2022 में इंडिया के अंदर कौन से त्योहार आने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको दोस्तों बहुत सारी चैनलों के रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस टॉपिक पर किसी भी चैनल ने ढंग से काम नहीं किया है, या तो इसके ऊपर कोई भी चैनल रेगुलर काम नहीं कर रही है। आप जितने भी यहाँ पर चैनल आपको देखेंगे, यहाँ देखिए सिर्फ 23 सब्सक्राइबर और 6 वीडियो। अब यहाँ पर देखिए इन इंडिया फेस्टिवल, यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 सब्सक्राइबर 1 वीडियो। यहाँ पर तीसरी चैनल को भी आप देख सकते हैं दोस्तों, इस पर है इंडिया फेस्टिवल 17 सब्सक्राइबर 21 वीडियो। यहाँ पर दूसरा देखिए इंडिया फेस्टिवल 4 सब्सक्राइबर 1 वीडियो। किसी भी चैनल ने ढंग से इस टॉपिक पर काम नहीं किया है दोस्तों। और अगर आप यहाँ साइड में भी देखेंगे तो इसका सर्च वॉल्यूम मीडियम और इसकी कंपटीशन भी मीडियम है दोस्तों। आप इसके ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पर और बहुत सारे फेस्टिवल के रिलेटेड आइडिया मिलेंगे जिस पर हम काम कर डेली वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, और हम पूरी डिटेल के साथ आने वाले फेस्टिवल के अंदर क्या क्या चीज खास है उस चीज को हम बताकर यहाँ पर अपने वीडियो बना सकते हैं। मैं आपको टॉपिक बताऊंगा धीरे धीरे, आपको सब बताऊंगा। जरा आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखने की जरूर कोशिश करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि आधी अधूरी बात कभी भी आपको सक्सेस नहीं बना सकती। वीडियो पूरा जरूर देखें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए, मैं इसका आगे सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडिया के आने वाले अपकमिंग फेस्टिवल की। अभी आप देखेंगे तो हमारे पास 2022 तो दोस्तों निकल चुका है, लेकिन अब इसके बाद 2023 के लिए आप काम करना शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर की वेबसाइट पर मैं आपको लेकर आया हूं दोस्तों। यहां आप देखेंगे तो आपको अपकमिंग आने वाले त्योहारों के बारे में यहां खुलकर बताया जाता है। यहां से आप जेन्युइन कंटेंट ले सकते हैं। मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा, और आपको इसके ऊपर हिंदी में काम करना है जिसके इसके ऊपर आपको हिंदी में काम करना है जिससे ये होगा कि हिंदी के अंदर कंटेंट की बहुत सारी कमी है यूट्यूब पर आज भी दोस्तों, कंटेंट के अंदर गैप है। यानी कि इन जो टॉपिक मैं जो आपके सामने लेकर आता हूं वो टॉपिक पर रेगुलर वीडियो नहीं आते हैं,
मैं उसी टॉपिक को सिलेक्ट कर आपके सामने लाता हूँ, जो भी अगर मेरे बताए हुए तरीके से काम करता है और रेगुलर इसके ऊपर कंटेंट लाता है तो उसका सक्सेस होना दोस्तों यूट्यूब पर 100% फाइनल है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर की वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ। ये अभी इंग्लिश का वर्जन यहाँ पर हमारे सामने ओपन है, मैं इसको आपको कुछ ही देर में हिंदी करके भी बता देता हूँ। तो चलिए आपको यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ आपको टॉप कॉर्नर पर यहाँ इंग्लिश की जगह हिंदी को सिलेक्ट कर रख देना है दोस्तों। जैसे आप दोस्तों हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने ये मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर की वेबसाइट जो है वो हिंदी में आपके सामने खुल जाएंगी। अब यहाँ देखेंगे तो संस्कृति मंत्रालय आपको देखने को मिलेगा। हर इंडियन की अपनी एक दिल से लगाव जो इंडियन करता है वो है अपने त्यौहार, अपने धर्म, और इस टॉपिक के वीडियो इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी फेमस होते हैं। इंडिया ही नहीं दोस्तों, बाहर में जो लोग रहते हैं वो लोग भी देखना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर कौन सा त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है, उस त्यौहार की क्या खासियत है, वो त्यौहार किस तरह से शुरू हुआ, उस त्यौहार की क्या हिस्ट्री रही, ये सब चीज़ आप दोस्तों अपने वीडियो में बताकर दोस्तों बाहर से भी अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे इंडियन दूसरे देशों में जाकर बसते हैं और वहाँ के सिटीजन हो चुके हैं या तो फिर वहाँ पे वो रह रहे हैं, वो सब लोग आपके वीडियो को पसंद करेंगे। अगर आप अपने वीडियो के अंदर इन सब त्योहारों के बारे में खुलकर अगर डिटेल से बात करेंगे और अगर आप लोगों को बताएंगे कि भाई ये जो फेस्टिवल है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ क्या है, उसके अंदर बहुत सारी हमारे इंडिया के फेस्टिवल रहते हैं दोस्तों, त्यौहार रहते हैं, उसके अंदर आप देखेंगे तो कोई खाना ऐसा फेमस रहता है, कोई मिठाई फेमस रहती है, वो त्यौहार कुछ खास स्टेट वाइज होते हैं। आप देखेंगे दोस्तों कि हमारे इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं जो अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो आप हर एक राज्यों के हिसाब से स्टेट वाइज दोस्तों आप उन फेस्टिवलों को अपने यूट्यूब वीडियो के अंदर कलेक्शन कर आप लोगों को बता सकते कि ये त्यौहार किस राज्यों का है, इसके अंदर कौन सी खासियत है, इसके अंदर कौन सी चीज़ फेमस है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये किस तरह से मनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक आप अपने वीडियो के अंदर कवर कर दोस्तों वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फेस्टिवल यानी कि त्यौहारों के बारे में बताया गया है और इसको आप धर्म के हिसाब से भी देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो इतने सारे फेस्टिवल्स आपके सामने हैं और एक एक फेस्टिवल के ऊपर आप 10-10 20-20 वीडियो भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो कितने सारे फेस्टिवल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए मिलादुन नबी है, उसके बाद गणतंत्र दिवस है, होली है, रामनवमी है, महावीर जयंती है, गुड फ्राइडे है, बुद्ध पूर्णिमा है, ईद उल फित्र है, स्वतंत्र दिवस है, जन्माष्टमी है, गांधी जयंती है, दशहरा है, ईद उल जुहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो दिवाली है, यहाँ पे मोहर्रम है, गुरु नानक जयंती है, क्रिसमस है, मकर संक्रांति है, और उसके बाद आप देखेंगे तो रक्षाबंधन और बहुत सारे और भी फेस्टिवल अलग अलग हमारे सामने इंडिया के अंदर मनाए जाते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको अगर बात करूँ तो यहाँ पर ये गणतंत्र दिवस के अगर आप वीडियो बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप कोई भी जो आने वाला फेस्टिवल है उसकी तारीख और उसकी पूरी डिटेल आप कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ से सिर्फ एक फेस्टिवल टारगेट कर रहा हूँ, वो है दोस्तों गणतंत्र दिवस। अब इसको जब आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपके सामने खुलकर कुछ इस तरह से रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अब देखें तो आप 2023 के अंदर 26 जनवरी आने वाली अपकमिंग फेस्टिवल के अंदर ये चीज़ आती है दोस्तों। अब देखेंगे आप तो इसको आपको पूरी डिटेल एक फेस्टिवल की लेनी है और उसको आपको उस त्यौहार आने से पहले पहले आपकी चैनल पर कम से कम एक महीने या तो 15 दिन पहले वीडियो अपलोड हो जाना चाहिए, तब जाकर आपकी चैनल इस पर ग्रो होगी। क्योंकि ये जो भी त्यौहार आने वाला है उससे पहले आप यूट्यूब के ऊपर 10 से 15 दिन पहले वीडियो अगर अपलोड कर देते हैं और उसी टॉपिक एक ही त्यौहार के ऊपर आप 10 वीडियो तो कम से कम तैयार करने हैं कि भाई हर फेस्टिवल को आप डेट वाइज सिलेक्ट करें, यानी कि नेक्स्ट जब आपका ये फेस्टिवल आएगा तो आपके कंटेंट सेम टू सेम आपकी चैनल पर ना हो। इसलिए जब भी कोई फेस्टिवल का वीडियो बनाओ तो उसके टाइटल के अंदर डेट देना है उस साल के साथ, क्योंकि इससे एक ये फायदा होगा दोस्तों कि जब आप दूसरा वीडियो तैयार कर दूसरे साल अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो सेम कंटेंट आपका यूट्यूब चैनल पर नहीं होकर आपके SEO पर भी फर्क पड़ेगा दोस्तों। इससे आपको एक ये बेनिफिट होगा कि आप जो भी फेस्टिवल डेट वाइज अपलोड करेंगे
और वो आपको उस फेस्टिवल के 10 से 15 दिन पहले वीडियो आप अगर अपलोड करते हैं तो इससे आपकी चैनल पर बहुत जल्दी ट्रैफिक दोस्तों गेन होगा, और वो भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगा जो दोस्तों सर्चेबल टॉपिक के हिसाब से इस पर आप ट्रैफिक हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी फेस्टिवल मिलता है उस फेस्टिवल की पूरी डिटेल लेनी है, उस फेस्टिवल के अंदर क्या फेमस है, क्या उसके अंदर कोई खाना फेमस है, क्या कोई वहाँ कोई ऐसा स्पॉट कोई ऐसी जगह फेमस है जिसके हिसाब से वो फेस्टिवल मनाया जाता है, और क्या उसका हिस्ट्री रही है, ये त्यौहार कब मनाना शुरू हुआ, ये त्यौहार किस धर्म से बिलोंग करता है, ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, और इस त्यौहार के अंदर क्या क्या ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे आप देखेंगे जिसके अंदर कुछ खास चीज़ें की जाती है, तो इस तरह के टॉपिक को आप यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। और अब दोस्तों दूसरी अगर मैं आपके लिए एक बात बताऊं यहाँ पर, तो आप इसको सबसे ज़्यादा अफिलिएट मार्केटिंग से पैसा आप इस टॉपिक पर कमा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, जो भी कोई कंपनी हो, उन त्योहारों की ग्रेट डील लेकर आती है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर बेस्ट अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डील जो है दोस्तों देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों लोग त्योहारों के रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियो बनाकर कितने सारे पैसे कमाते हैं, वो भी फेस्टिवल के हिसाब से आप देखेंगे तो ये चीज अमेजोन और फ्लिपकार्ट हमेशा लाते रहता है। आपको यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों वीडियो ऐसे देखने को मिलेंगे जो बेस्ट ऑफर के साथ आते हैं, जो फेस्टिवल के हिसाब से ये अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, जो बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है दोस्तों वो टारगेट करती है फेस्टिवल को, और इस टाइम पर ऐसे ऐसी डील लेकर आती है दोस्तों जिससे लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अर्निंग करते हैं दोस्तों इस टाइम के अंदर। जो भी यूट्यूबर है अगर इस टेक्निक को समझ लेता है तो इससे अमेजोन से इतना अच्छा पैसा कमाया जा सकता है दोस्तों कि जिसकी कोई बात नहीं हो सकती। आप यहां पर देखेंगे तो हर वक्त अमेजोन बेस्ट फेस्टिवल डील्स लेकर आता है, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या जितनी भी पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये सब की सब दोस्तों फेस्टिवल को टारगेट कर अपने ब्रांड को प्रमोट करती है, और इससे अच्छा खासा ये लोग मार्केटिंग करते हैं फेस्टिवल को टारगेट कर। तो अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं दोस्तों तो इस पर आपको पहले ही दिन से इनकम होना शुरू हो सकती है। जैसे ही कोई त्यौहार आने वाला है दोस्तों और इसकी डील्स पहले ही अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आना शुरू हो जाती है, चाहे वो दिवाली हो, रक्षाबंधन हो या कोई भी ऐसा फेस्टिवल जो आने वाला है, उसको आप टारगेट कर पहले दिन से पहले ही वीडियो से आप अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक पर काम करना है, और इसको मैंने आपको बता दिया कि आपको कंटेंट कहां से लेना है और किस तरह से लेना है। अब आप देखेंगे तो एक चैनल भी है दोस्तों जो इसके ऊपर काम कर रही है और महीने के करीब करीब $600 के आसपास अर्न कर रही है। अगर आप दोस्तों इस चैनल पर देखेंगे तो 11 के सब्सक्राइबर है और 83% इसके सब्सक्राइबर एवरी मंथ बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर दोस्तों बात करें इस चैनल के वीडियो पर आने वाले व्यूज, तो इसके व्यूज भी दोस्तों 94% से इंक्रीज हो रहे हैं हर महीने, और 2 मिलियन के आसपास इनके व्यूज आ रहे हैं दोस्तों हर महीने। और बेहतर काम करें तो इस चैनल पर इससे ज्यादा अर्निंग की जा सकती है और इस चैनल पर व्यूज और भी दोस्तों बढ़ सकते हैं। ये भाई साहब ने अपनी चैनल पर 1500 वीडियो अपलोड किया है। इनके सब्सक्राइबर की बात करें तो दोस्तों 486 के सब्सक्राइबर है, और ये चैनल 2017 के अंदर बनाई है, और इस चैनल का जो कैटेगरी ये भाई साहब ने सिलेक्ट किया है वो एजुकेशन सिलेक्ट किया है। अब इनकी चैनल की अगर दोस्तों हम बात करें तो ये चैनल पर भाई साहब बहुत अलग अलग टाइप के वीडियो पहले अपलोड कर रहे थे, अभी कुछ दिन से ये सिर्फ अपने चैनल पर फेस्टिवल के रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और इनकी चैनल पर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे खासे व्यूज भी दोस्तों आ रहे हैं, करीब करीब 2 मिलियन के आसपास इनकी चैनल पर मंथली व्यूज आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना पॉपुलर है, और हर इंडियन के दिल में ये चीज बसती है दोस्तों, और हर हिंदुस्तानी चाहे वो इंडिया में रहता हो या इंडिया से बाहर रहता हो, जो भी हिंदुस्तानी है किसी भी कोने में रहता है, तो दोस्तों उसको अपना धर्म उसके त्यौहार के इतना लगाव और इतना प्यार होता है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी इसी के थ्रू जिंदगी बिताते हैं और अपनी जिंदगी की दिन की शुरुआत दोस्तों करते हैं। अगर आप इस टॉपिक पर काम करना शुरू करेंगे तो यकीनन दोस्तों आपको इस चैनल से बहुत सारी इनकम हो सकती है, और आप इस तरह के आइडिया लाकर
कंटिन्यू काम कर दोस्तों अच्छी खासी रेवेन्यू यूट्यूब पर और दोस्तों अमेजोन वगैरह से आप अफिलिएट मार्केटिंग कर भी दोस्तों इन टॉपिक पर अच्छा खासा रेवेन्यू ला सकते हैं। तो दोस्तों ये एक सिंपल आइडिया था और यूनिक आइडिया है जिसके ऊपर काम करना चाहिए और इसके अंदर सिर्फ फेस्टिवल के रिलेटेड वीडियो अपलोड करना चाहिए और जो भी फेस्टिवल अपकमिंग आने वाला त्यौहार है उसके बारे में 5 से 10 वीडियो आपको भले 5-5 मिनट के आप तैयार करो और उसमें पूरी ऐसी डिटेल बताओ जो अभी तक यूट्यूब पर नहीं किसी ने दी हो। इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो दोस्तों आपकी चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो होगी और साथ में आप इससे 2-3 तरीके से पैसे कमा सकते हैं, चाहे वो गूगल की एडसेंस के थ्रू हो या तो फिर आप अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हो या प्रमोशन के थ्रू हो। क्योंकि ऐसे टाइम पर अगर आपकी चैनल इस टॉपिक पर सक्सेस होती है तो आपको प्रमोशन वीडियो मिलना भी बहुत ही दोस्तों पॉसिबल हो जाएगा, बहुत ही उसके चांस बढ़ जाएंगे कि आपको अच्छे अच्छे स्पॉन्सरशिप भी वीडियो के अंदर मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने जो ये आइडिया बताया वो थोड़ा यूनिक तरीके से आपको काम करने की ज़रूरत होगी, आपको इसके लिए थोड़ी रिसर्च करनी होगी कि आप किस तरह से आइडिया को बेहतर तरीके से लोगों के सामने ला सकते हैं। और इसको आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट ही काम है क्योंकि आपको बहुत सारी कंटेंट बने बनाए दोस्तों गूगल पर या तो फिर यूट्यूब पर से भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी चैनल की शुरुआत कर सकते हैं और पहले ही दिन से आप कमाना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट आइडिया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।